लाइव है तस्वीरें और देश के सबसे छोटे स्नेकमैन रणदीप राणा के घर पहुंचे हैं, गोंदर पहुंचे हैं। और एक बार पूरा दिखाना चाहूंगा कि पूरा घर दिखाओ एक बार दीपक, कि देश का जो सबसे छोटा स्नेकमैन रणदीप राणा है वो कहाँ रहता है। क्योंकि कभी शुरुआत होती है तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन समय आएगा, बदलाव आएगा, बहुत कुछ चेंज होगा। परिवार के सदस्यों से बात करेंगे कितने वो लोग हैं और कहाँ से ये जो पैशन है, कहाँ से ये जो एक लक्ष्य है सांपों को पकड़ने का फोन को पसंद आया। तो एक सिंपल सा छोटा सा घर बताया जा रहा है। उनके जो पिताजी हैं वो मिस्त्री का, राजमिस्त्री का काम करते हैं, और लेकिन पिता के ये कहा कि मेरे साथ जो है काम सीखो उनको पसंद नहीं आया। और सांपों को पकड़ने का एक जो जुनून है, जो एक मोह था उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं नजर आया। तो उनके पिताजी भी यहाँ बैठे हैं और रणदीप राम राम करते जी एक बार सभी ने। नमस्कार जी। हाँ आ जाओ दीपक, आ जाओ और उनसे बातचीत। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लगा देता हूँ, बैठ जाओ। तो रणदीप आप कितने बच्चे हैं आपके पहले दही? मेरे पास ये तीन बच्चे हैं। तीन? हाँ जी। बड़े लड़के का नाम संदीप कुमार है, बीच वाले का इसका रणदीप कुमार है, एक छोटे वाला है आशीष है। ठीक है, तो कहाँ से इसको शौक आया? बस ये तो जी परमात्मा जाना शौक आने का, लेकिन कई मतलब एक दो साल से ही मतलब सिस्टम में इसका ऐसा हो रहा है, भाई छोटे छोटे बच्चे ना सांप के पकड़ता था ये। अच्छा। हाँ जी। ने कितने वर्ष से लगा था ये पकड़ने? ये मतलब 6 साल का था उस टाइम, मध्य प्रदेश के अंदर इसने बड़े कोबरा पे हाथ डाला था। तो पहले मध्य प्रदेश रहते थे? मध्य प्रदेश कृषि फार्म है जी अपना, तो वहाँ उसने हाथ डाला तो इसने कोबरा ने इसको टच कर दिया। अच्छा, कोबरा ने फनिया लगा। हाँ जी। फिर इसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ इसका उपचार कराया, उसके बाद फिर मैंने अपनी जगह ही चेंज कर दी। अच्छा। मैं गांव गोंदर में आ गया। गांव गोंदर में आने के बाद इसने फिर जिस तरह छोटा मोटे अड़ोसी पड़ोसिया का बच्चा निकला सांप का, वो पकड़ना स्टार्ट कर। अच्छा। इब इस चीज को बचाने खातर जी मैंने कहा भाई मित्र आप मेरे साथ काम कर लो, राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी मैं, तो इसकी दिलचस्पी बन गई और अपना इस। आ जाओ रणदीप यहाँ, तो यहाँ बैठ जाओ पिताजी के पास, आप थोड़ा इधर हो जाओ। रणदीप कितना पढ़े लिखे हैं सभी को बताओ, कितना पढ़े लिखे हैं ये लो माइक लो, कितना पढ़े लिखे हैं सभी को बताओ। मैं 9th पढ़े लिखे हूँ। 9th? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई नहीं करी, तो फिर ये कहाँ से शौक गले में माड़ा, मतलब क्या है मन में, क्या करना है? पिताजी के साथ क्यों नहीं लगे? बस यही मेरे को समाज सेवा करनी है। अच्छा, तो लोग तो इसको बिजनेस बनाते हैं, लोग तो एक बिजनेस है, जब भी सांप पकड़ने के लिए जाते हैं पैसा लेते हैं, सांप को छोड़ने का पैसा है, पकड़ने का पैसा है, देखने का पैसा है, दवाई देने का पैसा है। तो घर कैसे चलाओगे, जीवन कैसे चलाओगे? घर सर वो परमात्मा चलाएगा, जो चलाएगा। मेरे को समाज सेवा करनी है। क्या कोई भक्ति टाइप भी कुछ चीज करते हो, जैसे ये माला है गले में हाथों में है, तो क्या क्या चीज करते हो? फेस पर पूरी लाइट डालो। कुछ नहीं, बस वैसी पैर रखी है। अच्छा, तो कोई भोलेनाथ की पूजा करते हो कुछ भी ऐसा? हाँ, भोलेनाथ को मानता हूँ, गुरु गोरखनाथ को मानता हूँ। अच्छा। सबसे पहले सांप कब पकड़ा? सबसे पहले सांप मैंने, आवाज तेज करो थोड़ा, सबसे पहले सांप मैंने रामबीर उस्ताद के साथ पकड़ा था। हाँ। वो भी उसने मेरा डेट खोला था, उस हाथ में पकड़ाया था, तो ठीक है। मैंने रिस्क उठाया था, पड़ोसी में सांप निकलने लगे। हाँ। बच्चे निकलने लगे तो मैं उसको पकड़ने लगा था। उस्ताद ने छोड़ दिया था सांप पकड़ना बीच में? नहीं, उसने एक बार मेरा डेट खोल दिया था। हाँ, भाई सांप पकड़ने कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो कितने कितने प्रकार के सांप आपको बताए, कितने जहरीले हैं कितने नहीं है? जहरीले के बारे में तो कोई बताया नहीं उसने, तो जो बिना जहर के उसके बारे में बता रखे। बिना जहर के? हाँ। तो कोबरा में अभी सीखना है कोबरा? हाँ। ठीक है, तो क्या है मन में, लोगों की कॉल भी आएंगी? हाँ। क्योंकि लोग देखेंगे, फोन करेंगे, तो कैसे जाएंगे और कितना समय, क्योंकि 2-4 दिन बाद तो देखो बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ। क्योंकि हमने संपर्क किया था और रामवीर जी नहीं पहुंच पाए, बड़ा हमारे को भी बड़ा उस दिन दुख हुआ कि जो सांप मारे, खेलते हुए जो सांप मारे गए, बड़ा मन को दुखी मन रहा उस दिन। और ऐसा ना हो
कि आपको बुलाया जाए और आप अपने घर में हो। आप बाहर हो एक अलग बात है कि मैं आज बाहर आया हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, आप ये कहें मैं तो जी बाहर हूँ मैं नहीं आ सकता या फोन ना उठाए, क्योंकि समाज सेवा, अब हम सुबह निकले थे घर से 7 बजे और समय देख लो आप कितना हो गया, तो समाज सेवा में ही बहुत हुआ है जी। तो कैसे करेंगे बताओ? समाज सेवा जिसका फोन आएगा मैं तुरंत जाऊंगा वहां पर। ठीक है, टाइम पहले पूछूंगा भी कौन है सांप है, कौन है का, हाँ। उसकी फोटो सेंड करो मेरे पास। ठीक है, तो सांप देखते ही बताऊंगा जहरीला है अभी जहरीला है। तो फिर भाई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले घबराए ना तो सबसे अच्छी बात है ये बगैर जहर का, आप चिंता ना करो सिर्फ ध्यान करो इसका। ठीक है, आने लग रहे हूँ आधे घंटे में, जितना भी टाइम जितना भी लंबा रास्ता है उसी टाइम से बताऊंगा। 20-25 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल पे आप चले जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो आपको खुशी है कि आप देश के सबसे छोटे सैनिक मैन है? हाँ जी, बहुत खुशी है। तो कहाँ तक नाम ऊंचा करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हो जाता होता है लगे रहेंगे। हाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये है देश के सबसे छोटे स्नेक मैन रणदीप राणा, उनके पिताजी और परिवार के सदस्य है, उनकी माता जी से मैं खाना बना रही है और 3 भाई हैं। नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर को आप सेव कर लें, एक और नंबर इनको देंगे और हमारी सोशल मीडिया की ओर से इनको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट इनके मंगवा दिए गए हैं, जल्द जो है इनके पास होंगे। दस्ताने हैं या एक जो सांप पकड़ने की छड़ी है या लंबी जो स्टिक है वो हम अपनी तरफ से इनको देंगे, उस दिन भी हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन ये समाज सेवा का काम करेंगे, किसी प्रकार की आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से कुछ भी दें, आप क्या सोचते हैं, छोटा सा बच्चा आपके घर आता है और साथ जरूर दीजिएगा। कई बार ईंटें उखाड़नी पड़ती है, मिट्टी खोदनी पड़ती है, छोटा सा बच्चा अकेला जो है कुछ नहीं कर सकता, और इस तरीके से ये लोग काम करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे ये सांप जहरीला है नहीं है और किस तरीके से सांप को काबू करना है। तो इस नंबर को रणदीप राणा का ये नंबर बताओ रणदीप एक बार। मेरा नंबर है 999-12-97-434। दोबारा फिर बताओ, 999-12-97-434 नंबर है मेरे। तो इसका जो नंबर है हम एक और थोड़ा ऐसा नंबर देंगे जो सभी को याद हो जाए, और गले में ये माला, हाथों में माला, तो रणदीप राणा सबसे छोटा स्नेक मैन जी रणदीप। अच्छा रणदीप भाई, यदि किसी को सांप दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करे ये बताओ? सबसे पहले जिसको भी सांप दिखाई दे, मेरे पास कॉन्टेक्ट आएगा जिसका भी, मैं बोल लूंगा कि उसकी फोटो सेंड करो मेरे पास व्हाट्सएप पे, स्नेक कौन सा है मैं उनको देख के बताऊंगा जहरीला है। कुछ लोगों के पास फोन नहीं होता तो क्या करोगे? जरूरी नहीं कि सबके पास एंड्रॉइड फोन हो, रंग देख तो क्या करोगे? तो फिर मैं जाऊंगा वहाँ पे, देखूंगा कैसा है कैसा नहीं, ये बोल दूंगा कि ध्यान रखो, फोन से इस पे जानकारी लोगे फिर। हाँ, वही उसका ध्यान रखो कहाँ जाएगा वो। हाँ, रंग से भी बता देगा जी। तो उसके अलावा आपको किसी तरह की कोई दवाई, जैसे मान लो कोई नॉन पॉइजनस सांप होता है लेकिन वो थोड़ा बहुत यदि काटता है तो क्या उसकी दवाई भी तैयार करते हैं रणदीप? नहीं जी, अभी तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन सांप को आप काबू कर सकते हैं। हाँ जी सर, कोबरा के लिए आपको स्टिक मंगवाई दी गई है, कोबरा करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आप की लाइफ में तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क बहुत है इसके अंदर लाइफ का। आपको क्या लगता है जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ यदि देना, मेरे को माइक देना एक बार जरा, यदि परमात्मा ना करे, क्योंकि सब कुछ जो है ठीक करे परमात्मा, तो हर परिस्थिति के लिए लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार हूँ जी। देखो जी, रिस्क तो हर एक काम, समाज सेवा में रिस्क है। बिल्कुल है जी, समाज सेवा में भी है, जो हम घर तक निकलते हैं उसमें भी रिस्क है। रिस्क तो हर एक चीज में, लेकिन बड़ी अच्छी बात है ये समाज सेवा के लिए चल रहा है, बड़ी खुशी होगी इस चीज के लिए। देश का सबसे छोटा स्नेक मैन गांव गोंदर में रहता है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। कर्मो भाई से भी मेरी बात हुई थी, कर्मो भी एक दो दिन में आएगा, और जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं सभी को लोकेशन डाल दी जाएगी, सभी को नंबर दे दिए जाएंगे, और इसका जो नंबर है वो हमने आपको ऊपर कमेंट में दे दिया है, आप सेव कर लें। 30-40 किलोमीटर तक इजिली मोटरसाइकिल पर आ जाएंगे, लंबा रूट की यदि जरूरत पड़ेगी और आना पड़ेगा भाई को तो वो भी हम इसका जो है प्रबंध जरूर करेंगे। दीपक हमारे साथ होंगे, सुनील हमारे साथ होंगे। इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए,
आज से 5 से 6 महीने के बाद ये लड़का हरियाणा का इकलौता स्टार होगा, इकलौता स्नेक मैन होगा, भारत का एक सबसे छोटा स्नेक मैन जिसको हम कहते हैं वो होगा। और आप लोग भी जो है याद करेंगे कि आपके बीच में से एक छोटा सा बच्चा जो है खेलते खेलते सांप पकड़ना शुरू कर देता है और फिर बन जाता है देश का भविष्य। लेकिन आपका विदाई तो बंदा जब ये आपके घर आए, आप मान सम्मान करें और कोई मान लो इट्टे उखाड़नी है या कुछ भी करना है तो साथ ज़रूर दें, क्योंकि जान सबकी कीमती है, इसकी जान उतनी कीमती है जितनी आपकी जान कीमती है। रात भी ये गए थे कितने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो वीडियो दिखानी थी जी। रात हम गए थे कोई 12:30 बजे करीब, और व्हाट्सएप है ये रहा, ये दिखाऊं जी। अच्छा, ये रात को एक छत में सांप देखा गया था, उसकी दो जो है इस लड़के ने अकेले ही दो छत की कड़ियां बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक करी, छत के ऊपर था मैं भी। रात को हम 1:30 बजे के करीब आए थे, लड़के 1:30 बजे हाँ लड़के ने कमाल कर दिया, मतलब ये कहा, फिर भी आते वक्त लड़के ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए जब ये रात के 1:30 बजे वहाँ पहुंचे, परिवार वालों की हिम्मत मिली होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप हौसला करो, और इस लड़के ने मतलब काबिले तारीफ, एक छोटी सी उम्र का, फेसबुक की वजह से हम जो है इसकी वो नहीं बता सकते उम्र, क्योंकि काफी इंस्ट्रक्शन लग जाती है। और देश का सबसे छोटा स्नेक मैन, इज्जत करें, एक राज मिस्त्री है, उसके 3 बेटे हैं, एक बेटे को दुनिया को सौंप दिया कि जाओ समाज सेवा करो, कोई पैसा नहीं लेना, कोई खर्चा पानी वो दे आपकी सहमति है, लेकिन ये लड़का नहीं लेगा। बाबा गोरखनाथ का पुजारी है, भोले का पुजारी है, ये लोग जुनूनी होते हैं, ये अंदर से बोलते हैं, अंदर से आत्मा निकलती है कि मैंने तो करना ही करना है। हमारी जो मीडिया साथी हैं, दीपक है, सुनील है और मेरा है, हमने कंट्रीब्यूशन करके इसकी जो छड़े हैं अमेजोन से वो सब कुछ इसके दस्ताने वो मंगवा दिए गए, 2-4 दिन में वो आ जाएंगे, परमात्मा करेगा सब कुछ ठीक ठाक होगा। मोटरसाइकिल का भी जो हम प्रबंध करेंगे, ताकि और जो डग्गी लगती है मोटरसाइकिल पे, और सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ेंगे, ये आपने एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ना है जीवों को। हाँ ले लो, रमनदीप, सांपों को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर जहाँ कोई रहता ना हो आसपास, वैसी जगह छोड़ना है, तो दूरी छोड़ेंगे उनको? हाँ जी दूरी छोड़ेंगे, जंगल में? जंगल में। ठीक है, और देखिए मीडिया की तरफ से आपको पूरा मिलेगा, चाहे मेरा करनाल का मीडिया है, पानीपत का मीडिया है, सब मीडिया आएंगे, एक एक करके जो है आपसे संपर्क करेंगे सब साथी, क्योंकि आप जैसा स्नेक मैन बहुत कम मिलता है। और मैं तो भला मानू ऐसे पिता का जिसने समाज सेवा में आपको सौंप दिया, तो एक बार सभी को कर दो राम राम, फिर मिलते हैं। तो आपके बीच में देश के सबसे छोटे स्नेक मैन रणदीप राणा है, नंबर आपको दिया है, और सुनील क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा जी, देखो एक छोटी सी उम्र में छोटा सा बच्चा आपके लिए समाज सेवा करने की खातिर तैयार है, चाहे रात के 11 बज रहे हो, चाहे 12 बज रहे हो, चाहे 1 बज रहे हो, आपने देख ही लिया ट्रेलर तो देख ही लिया है, अब तो लोगों ने भी सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि भाई देखो एक छोटा सा बच्चा आपके घर आओगे, मेहनत करेगा, आपके आपको सुरक्षित भी करेगा जी, जिम, जिम हाँ, जैसे हाँ, बिल्कुल सुरक्षित भी करेगा, क्योंकि अगर कोई किसी के घर से सांप निकलता है तो उसके बाद वो अपने परिवार को सुरक्षित समझेगा। अगर आपकी जान बचाई है, आपका परिवार सुरक्षित करे, तो मेरे हिसाब से भी बच्चे का मान सम्मान करने में कोई अर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उससे उसका हौसला बढ़ेगा। छोटे से इस चेहरे को चमकाएंगे हम और आप मिलकर, और साथ देंगे, और आज के बाद ये समाज सेवा में हुआ आपका और हमारा। आप बताइए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, रणदीप का फोन नंबर सेव कर लीजिएगा, फोन कीजिएगा, इमरजेंसी में नहीं मिलता आप दीपक सुनील या मेरे नंबर पर कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो सांप है उसको काबू जरूर किया जाएगा, सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ दिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय जवाहर, जय हरियाणा।